नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एसके टेक्नोलॉजी चैनल में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज के वीडियो हम बात करेंगे, यहाँ राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड में अप्रेंटिस का फार्म आया है डिप्लोमा वालों के लिए, ग्रेजुएशन वालों के लिए, बीएससी वालों के लिए और हाई स्कूल वालों के लिए। तो दोस्तों अगर आपने हाई स्कूल किया है या बीएससी किया है या डिप्लोमा किया है और अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, वो भी राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड में वैकेंसी आ चुकी है। तो चलिए इस वीडियो में हम पूरा प्रोसेस जानेंगे, क्या क्या योग्यताएं हैं, कितनी सीटें हैं, कैसे अप्लाई करनी है, सैलरी कितनी है, लास्ट डेट क्या है। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इसके पहले मैं बता दूं, वीडियो अंत तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं जो है राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड में वैकेंसी आ चुकी है। यहाँ पर मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ, देख सकते हैं। सबसे पहला ये पार्ट है पोस्ट अंडर रिलीजियन डायरेक्शन आप अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग RDAT, ये ग्रेजुएशन वालों और हाई स्कूल वालों के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि सबसे पहले अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट, इसमें 40 पोस्टें हैं। ये बीएससी के लिए, बीएससी में फिजिक्स और केमिस्ट्री से जो है जिन्होंने बीएससी कर रखा है तो ये उनके लिए 1 ईयर का अप्रेंटिस है जो है, एज मैक्सिमम उनकी 25 होनी चाहिए। दोस्तों ऐसे सभी के लिए लेबोरेटरी की बात करें तो इसमें भी बीएससी में इन्होंने मांग रखा है 5 पोस्टें, 1 ईयर की अप्रेंटिस होगी, एज हमारी 25 दी गई है। ऐसे ही ये इधर देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक केमिकल में बीएससी मांग रखा है, तो ऐसे अलग अलग योग्यताएं हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ देख सकते हैं। अब हाई स्कूल की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, मेंटेनेंस मैकेनिक केमिकल प्लांट में 20 पोस्टें हैं जो हाई स्कूल के लिए, 2 साल का इनका, 2 साल के इनका ट्रेनिंग होगा जो है, टोटल पोस्ट ये जो है 21 होनी चाहिए मैक्सिमम। दोस्तों इसके बाद इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो इनका भी हाई स्कूल मांग रखा है, 2 ईयर्स होनी चाहिए इनके लिए जो है। तो चलिए आगे मैं दिखा देता हूँ, दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर जो है हाई बॉयलर अटेंडेंस की 2 वैकेंसी है हाई स्कूल, इनके लिए मैं मांग रखा, 2 साल का इनका ट्रेनिंग हुआ। मशीनिस्ट के लिए 2 ईयर्स 2 पोस्टें हैं जो है, वेल्डर और गैस के लिए, वेल्डर एंड वेल्डर के लिए भी जो है हाई स्कूल इन्होंने मांग रखा है। तो ऐसे सभी योग्यताएं देख सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां से आप अच्छे से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आगे दिखाता हूँ डिप्लोमा वालों के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं पार्ट बी जो है, पार्ट बी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर पोस्ट अंडर द बोर्ड ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग BOAT, ये डिप्लोमा वालों के लिए। डिप्लोमा के लिए देखिए केमिकल, यहाँ पर ब्रांच है केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल भी है, कंप्यूटर साइंस भी है और मेडिकल लैब टेक्नीशियन है। तो पोस्ट की बात करें तो केमिकल की 19 है, मैकेनिकल की 18 है और इलेक्ट्रिकल की 12 है। ऐसे सभी का है जो है, यहाँ पर जो है इनका 1 ईयर्स का अप्रेंटिस होगा और मैक्सिमम एज इनकी रखी गई है 1/3/2019 को जो है 25 ईयर्स होनी चाहिए जनरल कैंडिडेट की। दोस्तों इसके बाद जो है चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको कि टोटल पोस्ट 67 पोस्ट है डिप्लोमा वालों के लिए। चलिए मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर सैलरी की बात करें दोस्तों, इसके अलावा एज में जो है SC/ST कैंडिडेट को छूट मिल जाएगी 5 ईयर्स की और OBC को मिल जाएगी 3 ईयर्स की, PWD को 10 ईयर्स की मिल जाएगी दोस्तों। चलिए इसके बाद जो है हम बात करते हैं जो है स्टाइपेंड क्या होगा। तो दोस्तों स्टाइपेंड आपको दिखा दें, स्टाइपेंड कितना मिलेगा जो है आपको, तो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर जो हमारे बीएससी वाले कैंडिडेट हैं उनको, देखिए यहाँ पर अलग अलग जो है सबका है यहाँ पर दिया गया, उनका 1 ईयर्स का जिनका होगा बीएससी वालों का, तो उन्हें जो है 8,699 रुपये यहाँ पर बताया गया है और बाकी जो हाई स्कूल वाले उनको जो है 7,732 रुपये बताया गया है दोस्तों। इसके बाद अलग अलग हैं जो है आप नोटिफिकेशन में अच्छे से देख सकते हैं और किसके लिए है, कितना है। अब डिप्लोमा वालों की बात करें तो डिप्लोमा वालों को यहाँ थोड़ी सैलरी कम दी जा रही है, यहाँ पर देख सकते हैं डिप्लोमा वालों को 5,000 मिलेगा दोस्तों, ओनली 5,000 डिप्लोमा वालों के लिए मिलेगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर जो है और इसके अलावा अदर फैसिलिटी की बात करें तो यूनिफार्म आपको मिल जाएगा और सेफ्टी इक्विपमेंट आपको मिल जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं कैसे, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो कैसे अप्लाई करना है, तो दोस्तों मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएंगे, वहां से आपको जो चले जाना है अप्रेंटिस पे जो है, यहाँ पर देख सकते हैं एंगेजमेंट
आप ट्रेड अप्रेंटिस पे चले जाना है, वहां पर जाएंगे तो वहां पर आपको फार्म मिल जाएगा, वहां पर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। उसके सामने जो है अप्लाई का है, अप्लाई लिंक है, अप्लाई पर क्लिक करके एक्सेप्ट कंडीशन करके जो है फार्म का डाटा फिलअप कर सकते हैं दोस्तों। फार्म का डाटा फिलअप करके फाइनल सबमिट कर देना दोस्तों। इसमें कोई एग्जाम नहीं, आपका सिलेक्शन मेरिट के आधार पर होगा। अगर आप योग्य पाए जाएंगे, आपका सिलेक्शन होगा, तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी दोस्तों। अगर फार्म भरने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं बताऊंगा कैसे फार्म फिलअप करना है दोस्तों। तो दोस्तों मैं बता दूं, अगर वीडियो अच्छा, इसकी लास्ट डेट की बात करें दोस्तों, डेट तो मैंने बताया, डेट की बात करें तो इसकी जो डेट है ये 28/5/2019 से फार्म इसका शुरू हो चुका है, और लास्ट डेट है वो 13/6/2019। मतलब समय बहुत कम है दोस्तों। अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं, अप्रेंटिस करना चाहते हो, तो 13/6/2019 से पहले ही अप्लाई कर ले दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।